योगी सरकार आने के बाद अयोध्या में दीपावली पर हर वर्ष दीपोत्सव का समारोह धूमधाम के साथ मनाया जाता है। तैयारियां भी अब इस बार भी तेज हो गई हैं। इस सिलसिले में देखिए, अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी और डीजीपी ओपी सिंह के साथ मुख्य सचिव आरके तिवारी आज तैयारियों का जायजा लेने के लिए अयोध्या पहुंचे। अधिकारी सुरक्षा तैयारियों का जायजा लेने के साथ ही अब तीसरे दीपोत्सव का ये जायजा लेते दिखाई दिए और अधिकारी राम की पैड़ी और राम कथा पार्क के साथ अन्य स्थलों का भी निरीक्षण करेंगे। मैंने अक्सर देखा है कि टाइम के बाद भी जो है वो निकलता रहता है और यूनिफॉर्म देखने में पूरा विश्वास है कि इस बार बड़ा ऐतिहासिक ये दीपोत्सव का कार्यक्रम होगा। इस बार रिकॉर्ड संख्या में दीप जलाए जाएंगे और दीप केवल पर्यटन विभाग या सरकार के माध्यम से ही नहीं, इसमें जन जन की भागीदारी होगी। ये हमारा लक्ष्य है कि कम से कम 2 लाख दीप कम से कम जनता के द्वारा जलाए जाएं, विद्यालयों में जलें, सरकारी भवनों में जलें, प्राइवेट भवनों में जलें, प्राइवेट घरों में तो जलते ही हैं, तो पूरा अयोध्या जनपद दीपमय हो जाए, ये हमारा ये इस बार का प्रयास है। गीता जो है पूरे प्रदेश में और यहाँ के लोगों में विशेषकर एक है कि हम लोग इसको बहुत ही भव्य रूप से दीपकोत्सव मनाएंगे और इसके लिए सुरक्षा के चाक चौबंद सभी किए जाएंगे। आप जानते हैं कि अयोध्या हमेशा एक हाई अलर्ट जोन रहा है और यहाँ पे हम रिवर के ऊपर, लैंड के ऊपर, वायु के ऊपर, सभी के ऊपर हम लोग ये नज़र रखेंगे कि कोई असामाजिक तत्व इसमें कोई विघ्न न पैदा करे। और साथ ही साथ जैसा कि चीफ सेक्रेटरी साहब ने कहा, ये पीपल्स मूवमेंट की तरह होगा। जितने भी सरकारी संस्थाएं हैं, प्राइवेट संस्थाएं हैं, लोग हैं, थाने हैं, बल्कि हम थानों को भी अपील कर रहे हैं कि वो भी अपने दिए जलाएं अपने अपने प्रांगण में। और सुरक्षा की व्यवस्था इतनी व्यापक होगी, पिछले वर्ष भी हम लोगों ने किया था, चूंकि इस बार अस्तर और विशाल तरीके से किया जा रहा है, पूरी व्यवस्था इसकी होगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय सिंह चौहान भी जुड़ चुके हैं, वो अयोध्या में इस वक्त और सीधे वहीं से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, देखिए आज तीन बड़े अफसर पहुंच चुके हैं अयोध्या सुरक्षा का जायजा लेने। देखिए ऐसे में जहां राम मंदिर पर बहस चली और ऐसे में दीपोत्सव को लेकर तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे, तो हम ये भी समझ सकते हैं कि वहां पर इस वक्त स्थिति कैसी है, किस तरह सुरक्षा व्यवस्था, उसको भी देखने के लिए पहुंचे क्योंकि राम मंदिर पर फैसला भी आने वाला है। बिल्कुल शिवांगी, एक बड़ी चुनौती है सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के, क्योंकि दीपोत्सव एक बड़े महोत्सव के रूप में मनाया जाएगा। 5.5 लाख दिए जलाए जाएंगे जिसमें करीब 1000 से भी ज्यादा कलाकार जो विदेशी होंगे वो यहाँ पर मौजूद होंगे। विदेशी हमारे मेहमान होंगे, मुख्य मेहमान के रूप में होंगे। तो और साथ में कोर्ट में जिस तरीके से फैसला आने की उम्मीदें बताई जा रही है और 3 दिन आज को जोड़ करके दलीलें बाकी रह गई है हिंदू पक्ष की, तो ऐसे में सुरक्षा के दृष्टिकोण से एक अहम बिंदु बन जाता है। और आज इसी को लेकर के अपर प्रमुख सचिव गृह पहुंचे हुए हैं, डीजीपी ओपी सिंह खुद उनके साथ मौजूद है, मुख्य सचिव खुद मौजूद है। स्थलीय निरीक्षण किया गया, चाहे रामकथा मैदान का हो या फिर राम की पौड़ी हो या फिर सरयू पत्थर हो, उसके साथ ही साधु संतों के साथ एक बड़ी अहम बैठक की जा रही है कि अभी तक जो तैयारियां की गई है वो तैयारियां कितना पर्याप्त है, आगे इसमें क्या खामियां हैं जिन्हें पूरा किया जा सके। इन तमाम बिंदुओं पर आम नेता पे साधुओं के साथ चर्चा चल रही है और साधुओं ने स्वच्छता के साथ साथ एक बार फिर कहा कि सदियों में जनता जल लगी है, उसको लेकर के जो प्रमुख उपयोग अपर प्रमुख उपयोग गए हैं उन्होंने आश्वस्त किया है कि आने वाले दिनों में इसको खत्म किया जाएगा, एकदम शुद्ध होगी, स्नान लायक होगी। और ये निर्देश उन्होंने दिए हैं साफ तौर पे कि बहुत जल्द कमिश्नर और यहाँ के नगर आयुक्त इस समस्या का समाधान करें। बहुत शुक्रिया संजय सिंह चौहान इन तमाम जानकारियों के लिए आपका। हमारे सहयोगी संजय ने देखिए वहाँ पर जायजा भी लिया, वो भी आपको दिखाते हैं। कोर्ट में सुनवाई का हिंदू पक्ष की बात करें तो आज से मिला के 3 दिन ही केवल बाकी है, ऐसे में पूरी तरीके से यूपी सरकार एक्शन में है और बैठकों का दौर शुरू है। अब देखिए कि अयोध्या के तुलसी शोध संस्थान में एक अहम बैठक की जा रही है जिसमें तमाम महत्वपूर्ण अयोध्या के जो साधु हैं वो मौजूद हैं और अपर मुख्य सचिव गृह जो हैं वो अवनीश अवस्थी मौजूद हैं, डीजीपी ओपी सिंह मौजूद हैं और उनके साथ ही मुख्य सचिव आरके तिवारी मौजूद है, अहम बैठक ले रहे हैं। और ये बैठक अपने आप में खास अहम इसलिए मानी जा रही है कि तीन बड़े बिंदु हैं जिन पर यहाँ पर साधुओं के साथ चर्चा की जा रही है। पहली तो जिस तरीके से दीपावली पर दीपोत्सव का कार्यक्रम होना है तो इस दीपोत्सव को किस तरीके से मनाया जाए और साथ ही इस बार केवल 5.5 लाख दिए राम की पौड़ी या फिर सरयू तट पर ही नहीं बल्कि पूरे गाँव में, पूरे अयोध्या में उसको हर जन मनाए, उसके बाहर से लोग आए और वो भी दीपोत्सव का आनंद उठाएं,
उसको लेकर के कैसे सफल किया जाए उसको लेकर के बैठक की जा रही है। दूसरी जो अहम बिंदु है कि जिस तरीके से माहौल चल रहा है उस माहौल में साधु संतों का अहम रोल होता है समाज को कंट्रोल करना अपने भक्तों के थ्रू भक्ति के थ्रू। ऐसे में अगर कहीं कोई दिक्कत होती है तो साधु संत इनके विश्वास के साथ रहें जिससे आने वाले दिनों में फैसले के बाद अगर कहीं कुछ नीचे ऊंच ना होता है उसको लेकर के कहीं कहीं चर्चाएं चल रही है और सहयोगात्मक रवैया मिले उसको लेकर साधुओं के साथ अहम बैठक आहूत की जा रही है। और बैठक अवनीस अवस्थी जो अपर प्रमुख सचिव गृह है वो है उनके मौजूद है, डीजीपी मौजूद है और साथ ही मुख्य सचिव आर के तिवारी मौजूद है। तो इस बैठक का बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पर हो रही है और काफी बैठक अहम मानी जा रही है। कैमरा पर्सन गिरीश के साथ संजय सिंह चौहान, भारत समाचार, लखनऊ। अयोध्या से खबर जारी की बड़ी संख्या में पहुंचे युवकों ने रोडवेज बस स्टॉप